अभी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भोरमदेव, और जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पे हम सामने जो दिख रहा है वो भोरमदेव है। यहाँ पे पूरा चिल्फी घाटी का जो रास्ता वहाँ पे दिखता है वो। तो गाइस हम लोग इतना देर से जिस लोकेशन की इंतजार कर रहे थे हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, ये वाला ये भोरमदेव का मंदिर जो मेन मंदिर है वो। तो यहाँ पे हम लोग शूज निकाल के अब चलते हैं अंदर। शूज निकालते ही पैर एकदम जल रहा है, तो अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। ये जो लेक है वो है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मंदिर के अंदर। पैर बहुत जल रहा है एकदम से, तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो फाइनली गाइस इतना टाइम वेट करने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे भाई लोग भी शूट कर रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाना नॉन है, तो हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे। तो तब तक आप लोग यहाँ पे लोग देख लो कितने लोग आए हैं पूरा दर्शन करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर से आके हम लोग मिलते हैं आप लोगों को। तब तक आप लोग सिनेमेटिक चेक करो मंदिर का। आधा घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोगों का आया, और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बाहर में। अभी कहाँ चले गए भाई लोग, उन लोग दिख नहीं रहे हैं, उन लोग ढूंढते हैं कहाँ चले गए उन लोग। फिर हम लोग वो सामने है, वहाँ पे सामने एक तो गार्डन है, वहाँ पे गए होंगे उन लोग। तो हाँ उन्हीं के पास चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रील शूट करेंगे ऐसी। तो चलते उन्हीं के पास। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया, और यहाँ पे बैठे बहुत टाइम हो गया। तो ये वाला मंदिर भोलेनाथ जी का है। जियो आपको कैसे लगा उसको ज़रूर बताना कमेंट में। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं चिल्फी घाटी साइड थोड़ा रील शूट करने के लिए। ये और कहाँ जा रहा है, हाँ अच्छा फोटो खिंचाने जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, सामने जूता निकाला था वहाँ पे, जूता पहन के अब डायरेक्ट चलते हैं अपने बाइक के पास। तो भाई हम लोग जूता पहन के निकल गए हैं ये मंदिर को। अब हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं, टाटा बाबा बोलते हैं अब यहीं से। तो ये सामने वाला जो लेक है, आप लोग बताया था कि ये वही वाला फेमस लेक है जिसमें कुछ भी डालने से सोना बन जाता था। ये अब पहले का जो वहाँ वहाँ था वो नहीं पता भाई। और अब हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट चिल्फी घाटी के लिए। अब मंदिर को बोलते हैं बाबा है। कुछ आप लोगों भी मन्नत मांगना होगा तो कमेंट में ज़रूर मांग लेना, भगवान पूरा कर देंगे उसको। तो अब हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट अपने भाइयों के पास। तो फाइनली गाइस अब हम लोग बोलते हैं मंदिर को बाबा, अब यहीं तक था। अब यहाँ से हम लोग बोलते हैं इसको बाबा, अब निकलते हैं अगली लोकेशन के लिए। तब तक आप लोग बाइक में सिनेमेटिक चेक करो। फाइनली गाइस हम लोगों ने मंदिर को छोड़ दिया, मंदिर को बोलते हैं यहीं से बाबा है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। इस तरफ से हम लोग घर जाएगा, इस तरफ चिल्फी घाटी। तो अभी हम लोग चिल्फी घाटी जाने वाले नहीं हैं क्योंकि कुछ खा नहीं आते थे, तबीयत थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन की तरफ से। इस तरफ भाई लोग चले गए इस तरफ, तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग कोटला पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा रील शूट कर लेते हैं इसलिए थोड़ा रुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रील शूट करेंगे। एकदम गर्मी लग रहा था, तो कुछ खाया नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो गर्मी लग रहा था तो मैं अपना ब्लेजर को निकाल दूँ। तो अभी लोग हम यहाँ पे रील शूट करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग तब तक। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से रील शूट कर लिया, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के तरफ। तो अभी हम लोग सीधा आप लोग कोटला में चल के मिलते हैं। ये वाला पंडरिया वाला रास्ता है, ये वाला कमरधा वाला रास्ता आप लोग बताए थे, इस रास्ते से हम लोग गए थे। अब हम लोग यहाँ जाने वाले हैं घर। तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो कुछ 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 पानी बॉटल ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ निकलते हैं डायरेक्ट।
फास्टरपुर के लिए। मैं घर पहुंच चुका हूँ, एकदम तेज़ बारिश होने लगा था तो मैं शूट नहीं कर पाया, तो मैं डायरेक्ट घर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।